आदरणीय नड्डा जी, चूंकि मध्य प्रदेश में उनका ससुराल है, इसलिए उनको याद आया। छत्तीसगढ़ में बोला जाता है जय जोहार, लेकिन बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में रहने वाले जो आदिवासी भाई बहन हैं, वो केवल जोहार बोलते हैं। चूंकि वहां पर एक छत्तीसगढ़ का भी व्यक्ति उपस्थित था, इसलिए उनको जय जोहार याद आया, जोहार याद नहीं आया। जो यहां के पहले मुख्यमंत्री थे, उनको भी जोहार याद नहीं आया। सोते जागते जो एक नाम आजकल लोग जपते हैं, दो पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन का नाम जपने लगे। हेमंत सोरेन से आपको इतनी तकलीफ क्यों है? क्योंकि बाई लक आपके पास दो विधायक जीतकर आए, वो भी खटिया खड़ा ही था। आपके मंत्री को अब याद आता है कि जनजाति समाज में कुछ जातियों को और जोड़ना है, जिसमें खुद उनका अपना एक जाति है, हालांकि वो कानून अभी बना नहीं। ये डर दिखाता है कि आज उनको विश्वास दिलाने के लिए रैली आयोजित करनी पड़ती है। 50,000 लोग, 50,000 लोग जो वहां उपस्थित थे, उनका कहना है उसमें से भैया एक जीरो हटा दिए, तो मतलब 5,000 लोग, जिसमें तो लगभग 32 कलाकार मंडली थी, तो 2,500 तो वैसे हो गए, 500 सुरक्षा कर्मी थे। और आदिवासी कितने थे? पूरा एंटायर कवरेज को हमने देखा है, आदिवासी चेहरे विलुप्त थे, इसलिए हम लोग कह सकते हैं आज का उनका रैली विश्वास रैली नहीं था, आदिवासियों के साथ किए गए विश्वासघात रैली था। यही बाबूलाल जी रघुवर जी के समय पर सीएनटी एसपी के खिलाफ जब छेड़छाड़ हुई, तो जो आंदोलन चला उसमें शामिल थे, आज उन बढ़ाई करते दिखे। अरे गिलगिट भी इतना जल्दी रंग नहीं पलटता है जितना आज हम लोगों ने देखा बाबूलाल जी को पलट। हेमंत सोरेन की जमीन कहां है? बाबूलाल जी, आपका भी जमीन का डिटेल्स हम लोग देना शुरू करें क्या? अब इस स्तर पर आप लोग उतर आए हैं क्या? आपके जो मुख्यमंत्री थे रघुवर जी, 5 साल में 25 बार जमीन घोटाला का बात किए थे, एसआईटी का गठन किए थे,
जांच इनिशिएट करने की बात किए थे। क्या हुआ? जो आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका आज पूरा बॉडी एक्सप्रेशन बता रहा था कि वो लोग कितना घबराए हुए थे, आंकड़े गिनाने लगे। देश का जो एनएसओ है, एनएसओ कहता है कि पिछले 8 साल में सबसे अधिक महंगाई आज में देश में 44 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और यह आंकड़ा गिना रहे 10% से नीचे। रोजगार 2 करोड़ देंगे हर साल, कहां गया 16 करोड़ का रोजगार? केवल और केवल अब आदिवासी बोका नहीं रह गया, अब आदिवासी समझ गया है कि उसकी पहचान के साथ जो खेलने वाले लोग हैं उसको कैसे राजनीतिक तौर पे हाशिए पे रखा जाए। इसलिए उनको अब विश्वास दिलाने के लिए आना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के नाम पर बात हो रही है, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, गुजरात में चुनाव आने वाला है वहां की बात हो रही है। डरे सहमे लोग हैं, इसलिए ये विश्वासघात जो उन्होंने आज तक किया था उसका सजा उन लोगों को मिला है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोलना चाहिए कि सरना धर्म कोड को लेकर भारत सरकार जल्द निर्णय लेगी और उसको जनसंख्या की जब गणना होगी तो जाति के साथ साथ उस धर्म का भी स्थान हो, जातीय जनगणना भी हो, साथ में आदि धर्म सरना का भी स्थान। यदि इस काम को नहीं भारतीय जनता पार्टी करती है, इसी महीने हम लोग राष्ट्रपति जी से मुलाकात करेंगे पार्टी के प्रतिमंडल के द्वारा और उनको आग्रह करेंगे उनके अंतिम कार्यकाल का जो अभी फेस चल रहा है उसमें इस धर्म के संबंध में वो भारत सरकार को निर्देशित करने का काम करें। आज इतना ही कहना था इस संदर्भ में, कोई सवाल है तो वो आमंत्रित है। दादा बीजेपी बताती है कि उनके पास सबसे ज्यादा राज्यसभा के मेंबर, सबसे ज्यादा एमपी एसटी हैं, उसके अलावा 2 गवर्नर हैं, तो ये सब आंकड़ा वो बता रही है। क्या आपको लग रहा है सर इसलिए कि वो सबसे ज्यादा हितैषी अपने आप को दिखाना चाह रही है या उनको बताना था कि ये आंकड़ा ही ये साबित करता है कि हम आपसे ज्यादा क्लोज है? देखिए इससे ज्यादा तो आंकड़े कांग्रेस के पास भी थे, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी का संख्या 2 ही था, वो आंकड़ा क्यों छुपाते? और दोनों नॉन ट्राइबल थे, तो इसलिए आंकड़ा यदि देना ही है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। और वो भी तथाकथित विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथ्या प्रचार करे ये शोभनीय नहीं। दादा ये क्या 2019 की अनदेखी का असर है? बीजेपी का ये विश्वास रैली 2024 के मद्देनजर फिर से
साधने की कोशिश। देखिए 2024 में तो हमको लगता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के दोनों के निर्वाचन होने वाले हैं। आप मेरी बात को मिला लीजिएगा, क्योंकि परिणाम तो अभी हम जो देख सकते हैं कि विधानसभा में तो कोई भी उनका प्रतिनिधि नहीं जाएगा आदिवासी, और लोकसभा से भी उनको वंचित होना पड़ेगा। सवाल है मेरा, आप जो कह रहे भोक्ता समाज या दूसरे समाज को एसटी का दर्जा दिया गया, तो एक झारखंड में बहुत लंबे अरसे से मांग चल रही है, कुर्मी कोई महतो समाज भी मांग करता है एसटी का दर्जा, उस पर जेएमएम का क्या स्टैंड है? देखिए हम लोगों ने तो उस पर अपनी बात को पहले ही विधानसभा में कह दिया, और इसलिए इस पर अब कोई दूसरा सवाल तो पैदा नहीं होता है। लेकिन बात है कि जो भोक्ता समाज खुद को आदिवासी मानता ही नहीं है, उसको भी आप जबरदस्ती बना रहे, और जो समाज के नाम पे आप चुनाव जीतते आए उसको अब लाना पड़ रहा आदिवासी के श्रेणी में, यही तो विडंबना।